सो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। तो आज से हम पटवारी की शुरुआत कर रहे हैं। पहले टेबल पे बैठ करके हम अपने जो वीक है उसका पूरा प्लान बना रहे हैं कि इस वीक हमें क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने सारे चीज़ें सारे सब्जेक्ट लिख लिया हूँ और उसमें से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उन सबको लिख लिया हूँ। अब पारी आ चुकी है मेरे टू डू लिस्ट बनाने की, जो कि आज की होगी। इसके बाद चला गया मैं अपनी छत पे। छत पे पढ़ाई किया हूँ सुबह, क्योंकि अभी ठंडी का दिन चल रहा है जिसकी वजह से धूप में पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है और कमरे के अंदर पढ़ने में तो वैसे काफ़ी ठंड लगती है। अब ये मेरा दोपहर का इवनिंग का स्टडी सेशन है, जो कि मैं अपने आंगन पे बैठ के कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया जो कि इंग्लिश का है, जो कि मैं नीतू मैम की बुक से पढ़ूँगा। तो इसको अपन टेबल पे बैठ के लगाएंगे, जिसमें से मैंने टेंस वाला टॉपिक लिया हूँ। तो इस तरह से आज का दिन समाप्त तो होता है। अब अगले दिन की नई शुरुआत है, नया सवेरा नई उम्मीद। तो आज फिर लगेंगे अपन अपनी पढ़ाई पे। अभी आ चुका हूँ मैं अपने छत पे, तो देखिए। सो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारी छत से, जो कि मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ। इसके बाद चलेंगे हम हमारे खेत, जो कि धान की कटाई और उसके जो धान निकालने की प्रक्रिया है वो चालू होने वाली है। तो आज आपको वही दिखाऊंगा मैं। तो आज का ब्लॉग किस तरह से रहेगा वो देखेंगे हम। और अभी तो मैं छत पे पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि सुबह से 10 बजे तक का होगा। उसके बाद देखते हैं किस तरह से धान चुराई होगी, वो आप सभी को दिखाऊँगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, पढ़ाई होने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने खेत, जहाँ पर ट्रैक्टर लग रही है। इसको थ्रेसर बोलते हैं, जिससे धान के हार्वेस्ट किया जाएगा। देख सकते हैं, ये वही पूंजना है जिसको हमने बनाया था अपने पुराने व्लॉग में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो व्लॉग जाके देख सकते हैं।
खेत में काम करते करते हुए लगभग पूरा दिन ही बीत गया। देख सकते हैं आप, पूरी रात हो चुकी है, लगभग शाम हो गई। आज की मेरी इस न्यू ब्लॉग में आज नए दिन की नई शुरुआत है, तो चलते हैं आज की पढ़ाई कुछ अच्छे प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत करते हैं और होप्स हो कि आज का दिन प्रोडक्टिव जाए। तो इसी बात से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो मिलते हैं आपको अपने। सो फिर से हम अपनी छत पर आ चुके हैं अपनी पढ़ाई को अंजाम देने के लिए। देख सकते हैं लगभग पढ़ते पढ़ते यहाँ पे 10 से 11 बज जाता है, काफ़ी धूप हो जाती है जिस कारण से मुझे जाना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।